तो गाइस आज मैं फर्स्ट डे जिम में आई हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं कि फर्स्ट डे क्या करना चाहिए। करती हूँ, यहाँ पे बहुत लोग थे तो मुझे बहुत घबराहट सी हुई, मैं वापस बाहर चली गई। फाइनली अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये देखिए, और यहाँ पे मैं अभी अकेले जिम करने वाली हूँ फर्स्ट डे। और मतलब सब देखने लगे और मुझे कुछ आता ही नहीं, मेरी तो बेइज्जती हो गई। मैं सोचा ये मैं यहाँ से शुरू करूँ, कार्डियन करती हूँ फर्स्ट टाइम। पहले मुझे किसी ने बताया क्लिक, देन ये शुरू हो गया है। इतनी स्पीड में मैं चला रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना फास्ट ये भाग रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं ये। और सब लोग तो 50-50 पे चला रहा हूँ, मैं कभी इतने स्लो पे चला रही हूँ। तो भाई मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता बट कैसे। कुछ भी करना, मैं ऐसी वीडियो जी माना है कि स्टाइल में रैंप अप नहीं है, रैंप अप नहीं है कि रैंप पे आई हो आप। मैं कैसे फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस, मतलब मैं पहले भाग गई इतने लोगों को देख कर वापस आई। जिम में पता नहीं था कुछ, मैंने सीखा। और जैसे वो क्या था, मैंने जैसे मैं बाहर निकली मुझे ऐसा चक्कर आ रहा, भाई साहब ऐसे लग रहा है कि मैंने क्या ही खाया। फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो लड़कियाँ जिम नहीं जाती है। चलो इस हैवी को, इसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसको मैं ट्राई करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो दिखाया जाए। मैंने 15 किलो की वजन, भाई मेरे पैर की तो बैंड बच गई। आने के बाद मैं अपने चुन्नू पुच्चू मुन्नू से मिल रही हूँ। ये मेरा प्यारा सा डॉगी है, आप लोग प्लीज किसी को चाहिए तो बोलिए कमेंट करके। बहुत प्यारा है, देखिए ब्रूनो 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 चुन्नू पुन्नू मुच्चू। तो गाइस बारिश के मौसम चल रही है और रेनकोट गीले गीले, हेलमेट सब गीला गुला है। और यहाँ पे मॉल में कहीं भी रखना अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग एक अपने साथ कैरी बैग खरीद कैरी करिए और साथ में बारिश के मौसम में जम के शॉपिंग करते हैं। बहुत स्ट्रगल है, ये देखिए मेरा हाथ और यहाँ पे सामान। गाइस इस बार वेस्ट साइड में कुछ भी नहीं है, इतने सारे ऑप्शन ट्राई कर। अच्छी चीज तो ऊपर है। तो गाइस यहाँ पे बहन का बर्थडे, लेकिन शॉपिंग मेरी चल रही है। ट्रेंड्स में आई हूँ, देखती कुछ अच्छा मिलेगा तो उसके लिए भी छोटा सा कुछ गिफ्ट लूंगी। सब अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग करती हूँ। तो गाइस अभी मैं ट्रेंड्स में यहाँ पे जा रही हूँ फैशन फैक्ट्री में शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ अच्छे नहीं मिले।
तो गाइस 24 गिफ्ट में से अभी मैंने एक भी गिफ्ट इकट्ठी नहीं किए, और ये सूट का प्राइस है 4000। अगर एक गिफ्ट 4000 का दूंगी तो बाकी 23 गिफ्ट कैसे खरीदूंगी। भाई साहब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और सस्ता टिकाऊ कुछ खरीदती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और मेरी हालत देखिए आप लोग। ये वाली गाइस मुझे पसंद आया है, पर उसे पसंद आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सस्ता टिकाऊ टोटल 24 गिफ्ट खरीदना है। बंदी ने क्या कांड किया है ना, पैसे बंदा बोल रहा है कि पैसे और लगेंगे और लगेंगे, एंड शी वाज लाइक हाथ में दिए ये लो पकड़ो पकड़ो और हम जा भैया मैं जा रही हूँ तो ये लेके निकल आई। अब इसमें क्या है वो दिखा नहीं अच्छे से। कौन सा? आज चौथा दिन है शॉपिंग का और ये मुझे जाके पसंद आ गया है, काफी अच्छा लग रहा है। और दादा मुझे दे दो। तो वैसे मेरा मेकअप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप ये कौन है? चेहरा दिखाओ चेहरा दिखाओ। हेलो हेलो, ये कौन है? तस्वीर है मेरे लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि ये कौन है, कौन मुझे मिला है, हुस्न की परी। तो गाइस अभी हम कहीं जा रहे हैं। हेलो तुम्हारे चालू है क्या अभी? मेहनत मेहनत, रात को 12 बजे मेहनत चल रही है, 11:15 बजे मेहनत चल रही है, और ये सिर्फ YouTube के लिए मेहनत हो रही है। एवरी प्लेटफॉर्म जो मिले जहाँ पे मिले, सारे सोशल मीडिया के लिए करनी पड़ती है मेरे भैया को। टैटू स्टूडियो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है गाइस। हाँ तो रात को देखो क्लाइंट को होल्ड पे रख के वीडियो बना। और ये देखिए दी ने कितना प्यारा नेल आर्ट किया है। यस यस, यहाँ पे नेल आर्ट भी होता है। सी सी नेल आर्ट अच्छे लग रहे हो आप। आज से 10 सालों में इंडिया में टैटू का क्रेज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। टैटू होना चाहिए, इंडिया में स्किल टैटू आर्टिस्ट की बहुत कमी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्लैक पर्ल इंक और टैटू ने आपके लिए एक अल्टीमेट टैटू कोर्स लॉन्च किया है। रील बना लेंगे वहाँ पे, कोई कॉमेडी वीडियो बना लेंगे। हाँ ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। हमें कितने दिनों बाद मिले यार, आज इतना ज्यादा है गाइस कि हम लोग को मिलने का टाइम नहीं मिल पाता है। यस नाइट आउट कर ले, आधे मतलब कि आधे घंटे की दूरी पर हम मॉल गए थे। हमने सोचा थोड़ा वही कर लेते हैं। यस तो बस यही रीजन है कि शूटिंग पर काम करने के बाद मैं आई है और हम पकड़ी कर रहे हैं गाइस। वाटर ब्लॉगिंग है आप सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए, जस्ट फॉर यू गाइस। कीप वॉचिंग, हम पॉज कर आपको बताते हैं। मैं ली, लेकिन मैं सुबह यहाँ पर नेल आर्ट करवाने आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बहन का बर्थडे आ रहा है, तो थोड़ी तो खूबसूरत मैं भी लगी जाऊँ भाई साहब, थोड़ी लड़की वाला गुण अपने अंदर ला रही हूँ। तो मैं सुबह नेल आर्ट करवाऊँगी और आप लोग यहाँ पर आइए। हम जुदा हो रहे हैं, इतने साल बाद मिले, अब हम सोचे कि घर जाते हैं। कल सुबह हमारा बहुत अच्छा प्लान है। यू टुमारो बाय। नहीं नहीं, और आपकी आईडी तो बता दो, आपकी आईडी बताओ। यूट्यूब वाली लाइफ ऑफ तस्वीर गाइस। गाइस ये बोलने से ज्यादा शर्माती, ढेर सारा प्यार करिए, अब हम यहीं से जुदा हो रहे हैं। हाँ है रेनकोट, इतनी फिक्र मत करो, और इतनी गोरी गोरी लग रही हूँ। बाय बाय बाय, तुम्हारी बिल्डिंग तो आ गई। खुशी के चक्कर में मैं अपना बैग तो इधर ही भूल गई, अब घर और अंदर चल रहा है शूटिंग, इसलिए तस्वीर यहाँ पे खड़े होके वेट कर रही है।
मेरा बैग जरूर आ जाएगा। थैंक यू। ऐसा प्यार कहीं नहीं देखा होगा मैंने। क्या है? और बेचारी अंदर ढूंढ के आ गई। सॉरी। ये है प्यारी हूँ मैं इतना।